योजना बिहार के लिए वरदान साबित हुई है। पिछले 5 वर्षों में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवक इस योजना का लाभ उठाकर अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। इसकी वजह से बड़े शहरों की ओर पलायन भी रुका है। पेश एक रिपोर्ट। 5 वर्ष शुरू हुई स्टैंडअप योजना में बेरोजगारों को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण बिना किसी झंझट के अपना रोजगार स्थापित करने के लिए मिल जाता है। इस योजना की खास बात यह है कि अगर आप में कोई हुनर है और आपके पास अपना खुद का उद्यम खड़ा करने की कोई ठोस योजना है तो बिना किसी गारंटी के आपकी आवश्यकता के अनुसार लोन मिल जाता है। इस योजना से बैंकों, सिडबी और नाबार्ड को भी जोड़ा गया है। प्रति बैंक कम से कम 1 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से इस योजना का लाभ दिया जाना है। इस साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका, इस स्कीम का, स्टैंड अप इंडिया स्कीम का लाभ उठा सकेंगे। बिहार में भी इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन स्वयं उद्योग समूहों और व्यावसायिक संघों से बातचीत करके इस योजना की प्रगति पर नजर रख रहे हैं। लेकिन मैं जब बिहारियों का उस रैंकिंग में आगे देखता हूं तो बिहारी पीछे नहीं दिखते। एड्रेस जो है बिहार के एड्रेस से हम नीचे, और अगर बिहार का डीएनए देखकर हम सर्च करते हैं तो देखते हैं कि बेंगलोर में, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, चेन्नई में, कई जगह जो रिसर्च है, जो लड़के काम कर रहे हैं वो बिहारी। उसके लिए माहौल बनाना हमारी जिम्मेदारी। कोविड काल में पिछले 2 वर्षों में लाखों की संख्या में मजदूर बड़े शहरों से काम छूट जाने के बाद वापस आए। ऐसे लोगों में अनेक स्किल्ड कामगार थे जिन्होंने अपने घर पर ही रहकर अपना काम शुरू किया, और अब ये लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं और इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं रही। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।